तो फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोनाज फिकेल फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो, जो हमारे पास देख सकते हैं 21 इंच का सैमसंग का टीवी है। इस टीवी का आज प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को चालू करके आप लोगों को प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तो पता चलेगा इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसका प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए क्या करूँगा दोस्तों, मैं टीवी पे जो हमारा पावर लाइन है पावर दे दूँगा। पावर देने के बाद दोस्तों हमारा जो पावर लाइट जलना चाहिए वो जल रहा है, लेकिन दोस्तों जलने के बाद देख सकते हैं हमारा टीवी पे कुछ फ्लैशिंग हो रहा है, जो फ्लैशिंग होने के लिए हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं है और हमारा फ्लैशिंग हो रहा है। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, टीवी को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ही पता चलेगा कहाँ से फ्लैशिंग हो रहा है। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ये रहा हमारा CRT, जो 21 इंच का CRT है, सैमसंग का यूज किया गया है। और ये रहा हमारा PCB, जो हमारा जो मेन PCB होता है, ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है इसलिए बड़ा बोर्ड दिया गया है। और ESD का नंबर आप लोग देख सकते हैं 29A001BS। और ये रहा हमारा मेन IC, जो हमारा मेन IC का नंबर देख सकते हैं TDA9381PSN23I1347 का। ये रहा हमारा मेन IC। और टीवी को चालू कर लेते हैं, चालू करने से हमारा जो प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगा। उसके लिए क्या करूँगा, टीवी को पावर लाइन दे देता हूँ। पावर देने के बाद दोस्तों मैं देखूँगा कहाँ से फ्लैशिंग हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो ESD पे हमारा फ्लैशिंग हो रहा है, और हमारा इसीलिए हमारा टीवी पे कोई पिक्चर नहीं है, जलने का चांसेस है ज़्यादा। देख सकते हैं हमारा फ्लैशिंग हो रहा था। ठीक है दोस्तों, क्या करूँगा, मेरा जो ESD हमारा जो वायर है, ये वाला वायर हमारा ख़राब हो चुका है। यहाँ पे जो पॉइंट पे हमारा बास्ट हो चुका है वायर, और इस वायर को कनेक्ट नया वाला ESD लगाना पड़ता है। ये वाला जो बास्ट हो चुका है हमारा वायर, ये वाला प्रॉब्लम को हम लोग सलूशन नहीं करेंगे। ये ज़्यादा वोल्टेज है, ज़्यादा वोल्टेज रहने के लिए ये वाला जो वायर होता है ये बास्ट हो चुका है। जो हमारे ESD कैप से लीकेज होता तो मैं वायर को काट करके नया वाला ESD कैप लगा देता, लेकिन दोस्तों हमारा ये ESD कैप हमारा ख़राब नहीं है। हमारा ESD सेक्शन का जो हमारा यहाँ पे है प्रॉब्लम है, ये वाला जो ESD पे हमारा प्रॉब्लम्स, हमारा ESD सामने से ही बास्ट हो चुका है ये वायर, इसीलिए इसको रिपेयरिंग करने से भी रिपेयरिंग ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। इसीलिए मैं क्या करूँगा, नया वाला ESD लगा दूँगा। और लगाने के बाद हम लोगों को पिक्चर देखेंगे, तो पिक्चर कैसे आएगा वो चेक कर लेंगे। ठीक है, मैं नया वाला ESD लगाऊँगा, उसके लिए ESD खोल लेता हूँ। दोस्तों मैं जो बता रहा था आप लोगों को, हमारे पास ये वाला ESD था, जो ESD का नंबर आप लोगों को पहले भी देखा चुका हूँ, इसका 21001BS का ये वाला ESD हमारे पास नहीं था दोस्तों। इसीलिए मैं क्या किया, इस वाला ESD को लगाया। ये भी सैमसंग का ESD ओरिजिनल ESD है, FOK14B001 का। ये वाला ESD लगाने से भी ये वाला जो ESD का कॉयल है, ये वाला ESD कॉयल की भी सेम है। ये वाला 29 इंच का ESD लगाया हुआ था, ये 21 इंच का। ये वाला ESD लगाने से भी हमारा पिक्चर सेम ही आएगा, और हमारा जो पिक्चर का क्वालिटी है वो सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को चालू करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके पहले कुछ वोल्टेज आप लोगों को सिस्टम पर चेक करवा देता हूँ। और दोस्तों मैं क्या किया था, जब ये बेसबोर्ड को चेक किया था, तब मैं बेसबोर्ड पे एक प्रॉब्लम पाया। जो हमारा यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर है, ये हमारा 250 वोल्ट का कैपेसिटर है, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला कैपेसिटर भी हमारा ख़राब हो चुका है, और इस वाला कैपेसिटर को चेंज कर देंगे, नया वाला लगा लेंगे। नया वाला लगाने के बाद ही हम लोग पिक्चर चेक करेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर नया वाला कैपेसिटर लगा चुका हूँ, जो हमारा 10UF का 250 वोल्ट का कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का जो हमारा ESD से 200 वोल्ट निकलता है, वो वाला कैपेसिटर काम करता है, ये वाला फिल्टरिंग करता है।
ठीक है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद मैं टीवी को चालू करूँगा। जो हमारा पावर कॉल लगाने से हमारा ESD स्पार्किंग हो रहा था वो तो हमारा सॉल्व हो चुका है, हमारा ESD खराब था। और उसके बाद मैं टीवी पे लाइन देता हूँ। लाइन देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल जाता है। जलने के बाद जो प्रोसेस में हमारा टीवी चालू होता है वो प्रोसेस पे चला जाता है। उसके बाद हमारा जो जो सिस्टम का वोल्टेज है वो वोल्टेज को पहले चेक कर लेंगे। कहाँ पे चेक करूँगा? जो हमारा पावर सेक्शन है वो पावर सेक्शन पे चेक कर लेंगे। देख यहाँ पे हमारा वोल्टेज देखिए हमारा 137 आ रहा है, और एक वोल्टेज देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट 13 वोल्ट ये वाला जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हमारा आता है रेगुलेटर सिस्टम पे। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा जाता है साउंड सिस्टम के लिए, ये वाला हमारा साउंड सिस्टम के लिए दिया गया है। और हमारा ये वाला जो सिस्टम है ये वाला हमारा रेगुलेटर IC लगाया हुआ है। यहाँ पे एक रेगुलेटर IC जो हमारा वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ये वाला रेगुलेटर IC। ये वाला जो IC है ये वाला हमारा रेगुलेटर IC। नंबर नहीं दिख रहा है तो जो भी छोड़िए। ये वाला हमारा जो हमारा सैमसंग का रेगुलेटर IC दिया गया है, और ये हमारा मेन IC। और मेन IC पे सिस्टम चालू होने के बाद हमारा दो वोल्टेज आता है। जो दो वोल्टेज हमारा, एक तो हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट होके आ रहा है जो ट्यूनर पे हमारा 5 वोल्ट होके आ रहा है, और एक वोल्टेज हमारा 8 वोल्ट तक आता है जो हमारा IK सेक्शन पे मिल जाएगा। IK पे सेक्शन पे मिल जाएगा 7 जो आ रहा है, मतलब हमारा सभी वोल्टेज होके आ गया है। और हमारा जो ESD सेक्शन पे हमारा जो वोल्टेज रेडी होता है वो वाला वोल्टेज को भी चेक कर लेंगे। एक तो वोल्टेज हमारा यहाँ पे होता है जो हमारा -16.5 वोल्ट और +16.5 वोल्ट, वो वाला जो दोनों वोल्टेज होता है वो वाला हमारा साउंड इस वर्टिकल सिस्टम के लिए दिया गया है। और ये वाला हमारा जो वोल्टेज है ये वाला वोल्टेज हमारा 200 वोल्ट का जो हमारा बेस कनेक्शन के लिए फिल्टरिंग के लिए वोल्टेज दिया जाता है वो वाला वोल्टेज। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा जो बता रहा था ये पहला वर्टिकल IC के लिए हमारा एक वोल्टेज दिया जाता है -16 वोल्ट और +16 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज को भी चेक कर देता है। ये वाला वोल्टेज ये वाला देखिए हमारा पॉजिटिव का जो हमारा वोल्टेज वो 16.5 जो वोल्टेज वो वाला 17 वोल्ट आ रहा है। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा माइनस पे आता है, वो वाला वोल्टेज यहाँ पे देखिए -16 वोल्ट जो हमारा ESD से निकलता है। और एक तो वोल्टेज हमारा हीटर सेक्शन का निकलता है जो हमारा AC पे होता है, वो AC पे होता है जो हमारा 3 से 4 वोल्ट तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मेरा TV पे देखिए हमारा जो पिक्चर नहीं था वो वाला पिक्चर भी आ गया है। मैं ये भी लगा के आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ, जो हमारा AB लगाने से क्लियर हो जाएगा। जो हमारा आप लोग देख सकते हैं हमारा TV कैसे पिक्चर दे रहा है। जो हमारा छोटा सा जो ESD लगाया हुआ है वो कॉयल भी सेम ही है, वो कॉयल सेम है। कॉयल का पिक्चर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का जो पिक्चर का जो होता है वो वाला पिक्चर भी हमारा सेम ही आएगा, और हमारा पिक्चर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो हमारा इस वाला जो ESD था, इस वाला ESD को चेंज करने से बाद वो वाला ESD लगाया हुआ है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। मैं AV पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं हमारा AV पे पिक्चर आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा वो वाला प्रॉब्लम हमारा आता था जो हमारा ESD स्पार्किंग होके हमारा बास्ट हो चुका था। ये वाला हमारा पाइप जो हमारा वायर है ये वाला वायर हमारा मिडिल साइड से बास्ट हो चुका था, और बास्ट होने के कारण ही हमारा जो हाई वोल्टेज होता है ये वाला जो वायर हमारा हाई वोल्टेज देता है वो वाला हाई वोल्टेज हमारा ग्राउंड के साथ फ्लैशिंग हो रहा था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक इसी तरह का नया नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी ऐसे वाला वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।